वक्त की आपको बता दें, ओडिशा दौरे पर हैं राहुल गांधी। दूसरा और आखिरी दिन है आज इस दौरे का। ओडिशा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आप। जो ओडिशा का जो स्पिरिट है, ओडिशा की जो शक्ति है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताना चाहता हूँ। अभी मैं अंदर गया, एक छोटा सा बच्चा था, शायद इतना बड़ा, बीमार था, और उसके साइड पे उसकी मां रो रही थी। बच्चा नहीं रो रहा था। नहीं सुनो, आप ताली मत बजाओ। बच्चा पार्टी बंद करो, बोलने दीजिए मुझे। राहुल जी बोलिए। ओडिशा की स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चा बीमार था, उसकी मां रो रही थी, और बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा, डॉक्टर का हाथ पकड़ा, और कहा कि मेरी मां जो रो रही है उसको आप कंसोल कीजिए, मेरे बारे में मत घबराइए, आप उसको कंसोल कीजिए। ये ओडिशा का स्पिरिट है, ये ओडिशा की थिंकिंग है, ये ओडिशा का भविष्य है। वो बच्चा जो है छोटा सा, वो इस प्रदेश का भविष्य है। अब उसकी मां का और उसका हक बनता है कि जब वो बेचारा बीमार होता है और जब वो अस्पताल में आता है तो अस्पताल उसको मदद करे, प्यार से उसके साथ काम करे और उसको एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा करके वापस भेजे। अब यहां पे डॉक्टर काम कर रहे हैं और मैंने जो देखा वो पूरी कोशिश के साथ काम कर रहे हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है। कमी कहां है कि जो फोकस सरकार का हेल्थ केयर पे होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, ओडिशा के भविष्य में होना चाहिए, वो नहीं है। इस अस्पताल को चलाने का कोई बड़ा काम नहीं है। ओडिशा में पैसे की कोई कमी नहीं है, यहां पे आपके पास माइंस हैं, आपके पास धन है, मगर जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो ओडिशा के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, वो ओडिशा के हेल्थ केयर के बारे में नहीं सोच रहे। वो जो ओडिशा की जो शक्ति है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो उसके बारे में सोच नहीं रहे। इस अस्पताल में ओडिशा की ट्रेजेडी प्ले आउट हो रही है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं, दो कारण है। एक कारण, मैं अपने आंखों से इस अस्पताल में क्या हो रहा था वो देखना चाहता हूं, और दूसरा कारण है कि मैंने सोचा कि अगर मैं यहां आऊंगा तो सरकार पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।